आज अपन पढ़ते हैं फोर स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक इंजन के ये डिफरेंट पार्ट्स हैं अलग अलग। इसमें ये है अपना क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड, ये पिस्टन, ये पिस्टन के साथ जो इतने पिन होती है इसको अपन पिस्टन पिन या गजन पिन बोलते हैं। ये अपना सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है, ये कंबशन चैम्बर, ये इनलेट वाल्व, ये एग्जॉस्ट वाल्व, ये अपनी कैम है जो कि कनेक्टेड होती है फ्लाईव्हील से, ठीक है, ये वाल्व स्प्रिंग है, एग्जॉस्ट, ये है एग्जॉस्ट वाल्व है, ये सिलेंडर हेड है, इसको सिलेंडर हेड बोलते हैं अपन, ठीक है, ये कूलिंग वाटर है जहाँ हैवी रेडिएटेड की हेल्प से वाटर सर्कुलेट होता है, ठीक है, वैसे ये नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा। ये है अपना क्रैंक, इसको सिंपल से लाइन डायग्राम अपने को बनाना है, ठीक है। अब ये किस तरह से काम करता है, इस तरह से ये अलग अलग तरह के इंजन होते हैं। ये देखो सक्शन में क्या होता है कि इतने इनलेट पोर्ट से आपका फ्यूल इंटर होता है, ये एक सक्शन प्रोसेस जिसमें पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव होता है, फिर पिस्टन बीडीसी टीडीसी की तरफ जाता है, जो फ्यूल इंटर होता है उसको कंप्रेस कर दिया जाता है कंप्रेशन प्रोसेस में, ठीक है। फिर थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, कंप्रेशन के बाद में आपका फ्यूल जितने जो स्पार्क प्लग से स्पार्क होगा और फ्यूल आपका बर्न हो जाएगा, जिससे कि आपकी जो फ्लू गैसेस है वो एक्सपांड हो जाएगी। एक्सपांड के कारण इस प्रोसेस को अपन कहते हैं एक्सपांशन प्रोसेस या पावर स्ट्रोक बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। फिर इसके बाद में ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट से जो बर्न गैसेस है वो बाहर हो जाती है, इसलिए अपन इसको एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। इस तरह से ये चार स्ट्रोक में चार प्रोसेस होती है, ठीक है। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इसमें यूज़ करते हैं अपन। इस तरह से आपका ये सिलेंडर वर्क करता है, ठीक है। ये जैसे अपन देखें, अब ये फोर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन है। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या फ़र्क होता है, इसमें स्पार्क प्लग लगा होता है और इसमें स्पार्क डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं लगा होता है,